तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर टिकरी, सिंधु, शाहजहांपुर और गाजीपुर पर यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों के किसानों का प्रदर्शन जारी है। चारों बॉर्डर पर किसानों की संख्या बेहद कम हो गई है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में चल रहा प्रदर्शन थम नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश गेट पर धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। वैसे तो राकेश टिकैत देशभक्ति की बात करते हैं और सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। देशभक्ति की बात करने वाले टिकैत साहब की देशभक्ति स्वतंत्रता दिवस में देखने को मिली, जिसकी वजह से टिकैत सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस कहते नजर आए। फिर क्या था, लोग वीडियो शेयर कर राकेश टिकैत की जमकर खिंचाई कर रहे हैं। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने राकेश टिकैत के इस वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा, देश के आंदोलन जीवी हैं, इन्हें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का फर्क भी नहीं मालूम है। देश को बरगलाना छोड़ दो टिकैत साहब, नहीं तो यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। राकेश टिकैत एक निजी टेलीविजन न्यूज चैनल से विशेष बातचीत के दौरान सफाई दे रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए किसान लाल किला नहीं जाएंगे, बल्कि अपने खेतों, गांवों में तिरंगा फहराएंगे। इस बीच अपने बयान में कहा कि सब अपने गांवों में, खेतों में और अपने अपने घरों में गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस कह बैठे। इसके बाद लोग इंटरनेट मीडिया पर राकेश टिकैत को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने बड़े किसान नेता को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का फर्क नहीं मालूम। तीनों कृषि कानून के विरोध में यूपी गेट पर 28 नवंबर से धरना चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां दिल्ली जाने वाले सभी लेन पर कब्जा किया हुआ है। राहगीरों को अन्य सीमाओं से दिल्ली जाना पड़ता है, इससे काफी परेशानी हो रही है। 29 अगस्त को किसानों के धरना प्रदर्शन को 9 महीने हो जाएंगे। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा इसे विशेष दिन के तौर पर मनाने की योजना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।